क्लियर स्टार्टेड आचार्य आप शुरू कर। धन्वंतरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आज हम आयुर्वेद में ही कुछ रोगों के बारे में, कुछ औषधियों के बारे में आज जानेंगे। आयुर्वेद में ऐसे एक औषधि निर्माण का एक अलग शास्त्र है, उसको भेषज्य कल्पना विज्ञान कहते। औषधि को बनाने की एक प्रोसेस है, उसको ग्रहण करने की भी एक प्रोसेस है। ग्रहण करने के बाद जब तक वो अंतिम स्वरूप नहीं धारण करती है, जिसको हम अंतिम स्वरूप कहते हैं, जैसे वटी, गुटी, क्वाथ, चूर्ण, आयुर्वेद में वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अनेक स्वरूपों में दवाई को देना। एलोपैथी में भी क्या आया है कि दवाई आई है और सिरप आए हैं, ऑइंटमेंट आता है, तो ये दो तीन प्रकार ही उसमें है। केवल बाह्य के लिए ऑइंटमेंट वगैरह होता है, लेने के लिए ग्रेन्यूल्स होते हैं, टेबलेट्स होती है या सिरप होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे प्रकार बताए हैं। चूर्ण, बटी गुटी, सी मतलब क्वाथ अर्थात आज के समय में सिरप। तो पिछले हम देख रहे थे तुलसी गिलोय बूंद का, जो हमने बहुत संशोधन करके उसका बहुत सारे शास्त्र पाठ को लेकर उसको एक प्रारूप दिया था, जो तुलसी गिलोय बूंद आज है वो कफ के रोगों में, वात के रोगों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, और रोज भी पानी में डालकर उसको पीने से, खास करके जो सर्दी खांसी वाले है, बुखार अंदर रहता है, उसके लिए तुलसी गिलोय बूंद बहुत ही अच्छी औषधि है। अब और औषधियां क्या क्या हम रोज बरोज के जीवन में उपयोग कर सकते हैं और कैसे उसको करनी है, तो आज हम देखेंगे कि खास औषधियां भी रोग वाइज भी लेंगे और एक 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 औषधियों को समझते जाएंगे कि उसका क्या रोल है। तो ऐसी ही एक औषधि जो अभी बहुत ही पॉपुलर हुई है, या तो फिर बहुत ही उसके नाम से ही लोग जानते हैं, तो ऐसी एक औषधि की आज बात करेंगे, उसका नाम है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को तो कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो च्यवनप्राश ऐसे जिसके नाम से जुड़ा है ये प्राश, वो एक ऋषि का नाम है, च्यवन ऋषि का नाम। तो कहानी ऐसी है कि वो एक आश्रम में तप कर रहे थे और राजा वहां से निकला और उसकी जो वो तप कर रहे थे एक जगह पर बैठकर, और उसकी जो पुत्री थी उसने वो कोई एक सलाह काली लकड़ी की और उसको कुछ खेल रही थी, उसमें वो जो तप कर रहे थे तो उसकी आंखों में लग गई है, तो उसकी आंखें चली गई, ऐसा कहते कि आंखों में कोई चोट आई। तो उसके बाद उसकी सेवा के लिए वो वहां रह गई आश्रम में, क्योंकि वहां पर उसकी गलती थी। और उसके बाद अश्विनी कुमार आए और इसको नवजीवन देने के लिए, उसको पुनः यौवन प्राप्त कराने के लिए कुछ औषधि दी, उसमें से एक प्रयोग अश्विनी कुमार ने उसको दिया। तो वो योग जो अश्विनी कुमारों ने उसका फॉर्म्यूलेशन किया, जो देवों के वैद्य कहे जाते थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे उस समय के, तो उनका नाम हुआ च्यवन। और वो च्यवन का जो जर्जरित देह था, जो रोग थे बहुत सारे, वो रोग चले गए और एक शरीर उसका स्वस्थ बन गया, अच्छा बन गया। तो ये एक अच्छा बन गया, तो वो रसायन प्रयोग उनको करवाया था, वो रसायन प्रयोग करवाया था तो उसको कुछ औषधियों का प्राशन बना कर दिया पहले, वो प्राशन का नाम बाद में धीरे धीरे आते आते च्यवन प्राश बना, क्योंकि पहली बार इसको कंज्यूम किसने किया उसके नाम से पड़ा है, बनाने वाले नाम से नहीं पड़ा है। आयुर्वेद की औषधियां ज्यादातर बनाने वालों के नाम से होती है, लेकिन ये ऐसी एकमात्र औषधि है जो सेवन करने वाले व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसने कंज्यूम किया है वो च्यवन ऋषि थे। तो क्या लाभ है उसके? तो च्यवनप्राश ऐसे आंवले
उसमें पढ़ते हैं गाय का घी होता है, और थोड़े टाइम में हम उसके एक वीडियो आपको दिखाएंगे जब यहाँ पर हमारा बनेगा च्यवनप्राश। एक तो वीडियो शूटिंग उसका करने वाले इस बार, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो बनता है। तो उसका तो हम करेंगे थोड़ी व्यवस्था करके और उसको, लेकिन एक है कि वो एक बहुत अच्छा प्राशन है। आम्ल की रसायना नाम ये चरक सूत्र के अनुसार आंवला ये शरीर के जो घिसे हुए कोष है उसको नवजीवन प्रदान करता है। इसके लिए आंवला एक बहुत ही अच्छी औषधि और बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है पूरे विश्व में, क्योंकि उसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अनेक रोगों से बचने के लिए, और शरीर को जो कोष होते हैं उसको नवयौवन देने के लिए वो आंवला बहुत ही उपयोगी होता है। तो आंवले का ही मुख्य रूप से लेकर फिर उसमें बहुत सारी औषधियां है, प्रक्षेप द्रव्य है, उसके बनाने की विधि है जिसको हम पूरा समझाएंगे कि किस तरह से उसको बनाना है। आप भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी विधि कठिन होती है, उसका पाक देखना पड़ता है, उसको कितना पकाना वो देखना पड़ता है, तो बहुत ही श्रम लगता है उसमें, बहुत लेबर वर्क होता है। तो छोटा मोटा यदि है 2-5-10 किलो का तो वो बनाना तो कठिन पड़ेगा, लेकिन किसी को सीखना है तो हम सिखाते भी है, उसकी शिविर करते हैं पूरी, और उसमें बहुत सारी बहुमूल्य भस्म है वो डालते हैं, उसमें बहुत सारे प्रक्षेप द्रव्य है, इलायची से लेकर लौंग से लेकर तेज पत्ता से लेकर केसर से लेकर ये सब कुछ, तो इससे वो टेस्टी बनता है, मतलब एक टेस्ट आता है उसका। तो वो पूरे के पूरे ठंड की ऋतु में या तो 12 महीना सेवन कर सकते हैं, लेकिन विशेषता से करना ही है ऐसी एक ऋतु है वो ठंड की, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलता है च्यवनप्राश का। बाकी 12 महीने ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक च्यवनप्राश ऐसा है कि जो छोटे बड़े सब लोग उसका सेवन कर सकते है। छोटे बड़े बच्चों को, मतलब 2 साल से बड़े है उसको आप सेवन करा सकते हैं, उससे छोटे के उम्र को जरूरी नहीं है, 2-3 साल के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, उससे पहले बच्चों को तो सुवर्ण प्राशन काफी होता है, बड़े कितने भी उम्र के हो वो ले सकते हैं। अब उसमें यदि डायबिटीज है किसी को और ऐसा शुगर, मतलब खड़ी शक्कर भी यदि लेना नहीं चाहते है, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट वाला एक शुगर फ्री भी आता है, और एक च्यवनप्राश सादा भी, मतलब सादा मतलब एक ऋषि मुनि च्यवनप्राश आता है और एक शुगर फ्री भी आता है। तो शुगर फ्री कोई वो करे तो भी ले सकते हैं, वो ड्राई फ्रूट उसमें डाला होता है, वो एक प्रकार का है, एक प्रकार का ये है। लेकिन च्यवनप्राश के क्या क्या लाभ है वो थोड़ा देखेंगे। पहले लेना कब है, तो सबसे पहले वो सुबह खाली पेट उसको लेना है, स्नान करके, और मतलब हम अच्छी तरह से हमारा शरीर जब स्वच्छ होता है तो 1/2 चम्मच उसको ले सकते हैं। उसके ऊपर आप जो भी पीते हैं, दूध वगैरह लिक्विड पीते हैं, चाय पीते हैं, कोई कुछ वो पी सकते हैं। उसके बाद मतलब एक बार लेने के बाद कुछ भी ले सकते हैं बाद में। अनुपान दूध सबसे उत्तम है, गाय का दूध। च्यवनप्राश के ऊपर यदि कुछ लेना है तो गाय का दूध उत्तम, नहीं है तो और कुछ भी ले सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। टेस्टी होता है, इसके लिए छोटे बड़े सब लोग उसका सेवन कर सकते हैं। क्या फायदे हैं? तो खास करके स्टेमिना के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर को कोषों को नवजीवन देने के लिए यह च्यवनप्राश बहुत ही उपयोगी होता है। बहनों के खास करके गर्भाशय के रोगों में जब शक्ति क्षीण होती है, एनीमिया होता है, या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तब भी च्यवनप्राश और शक्ति को संरक्षण करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ऐसे बहने भी ले सकते हैं। प्रसूति के बाद आई हुई वीकनेस में भी बहुत ही उपयोगी होता है। किसी भी कारण से हम वीकनेस आई हो, या कोई भी बड़ी बीमारी गई हो, या वो कोई भी प्रकार की बीमारी के बाद यदि शरीर में अच्छा न लगता हो, तो ये रसायन प्रयोग करके सुबह च्यवनप्राश ले, और उसके बाद कुछ कुछ खाना छोड़ दे, जैसे भारी चीजें छोड़ दे, धूप में घूमना छोड़ दे, फिर टेंशन स्ट्रेस थोड़े दिन न ले, तो वो रसायन प्रयोग का पूरा परिणाम मिलता है। आयुर्वेद में रसायन प्रयोग करने वाले को क्या क्या ध्यान रखना है उसका एक चैप्टर है पूरा, कि जब भी रसायन कोई औषधि आप सेवन कर रहे हो तो धूप में नहीं घूमना है,
आपको क्या क्या नहीं खाना है वो भी बताया है उसमें। ज्यादातर एसिडिक चीजें नहीं खानी, जैसे खट्टा है, नमकीन है, बाहर का है, ऐसी चीजें नहीं खानी है। ज्यादातर आपको धूप में नहीं घूमना है, एकांत में ज्यादा से ज्यादा रहना है। जैसे वातावरण को हम सुरक्षित कर सके तो ऐसे कुटी प्रवेशी का पहले कराया जाता था, कुटी प्रवेश कराया जाता था, और कुटी प्रवेश की एक विधि थी रसायन। आज नहीं कर सकते हैं तो आज कम से कम धूप में न घूमे, लेकिन च्यवनप्राश का वो लोग सेवन कर सकते हैं। युवा भी सेवन कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, बड़े लोग जो होते हैं वो वृद्ध भी कर सकते हैं। उसको एक चम्मच लेना है सुबह में, और यदि आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो तो शाम को भी एक चम्मच ले सकते हैं 6-7 बजे। भोजन से कितनी देर पहले लेना है, आधा घंटा या एक घंटा पहले लेना है, ये सुबह खाली पेट लेना है, और शाम को भी 5-6-7 बजे या सोते वक्त भी ले सकते हैं। किसी भी औषधि के साथ इसका सेवन कर किया जा सकता है, उसमें कोई हानि नहीं है। खास एक ध्यान रखिए कि जिसको कोई दांतों में तकलीफ हो और ये, तो च्यवनप्राश लेने के बाद उसको मुंह एक बार साफ कर देना है, और वो या तो कुल्ला कर दे ताकि वो दांत में चिकनापन न रहे, ताकि दांतों के और कोई रोग न हो। कभी भी आप हनी खाते हो, च्यवनप्राश खाते हो, ऐसी कोई भी चीज खाते हो ले ही जो दांतों में चिपकता है, तो खास आपको ध्यान रखना है। उसको खाने के बाद एक बार आपको दांतों में उंगली घुमा कर, ऐसी कोई भी चीज खाने की हो, पीने की हो, च्यवनप्राश जैसी हो या कोई भी हो जो चिपकती है, उसको खाने के बाद एक बार आपको अवश्य ही मुंह को साफ करना है, ताकि वो दांतों पर न लगे, और दांतों पर लगने से जो कृमि वगैरह होते हैं वो हो ना, तो ये एक ध्यान रखना है। बाकी ये कर सकते, फ्रीज में रखने की उसको जरूरत नहीं रहती है, रूम टेम्परेचर पर ही वो अच्छा रहता है। धूप न लगे ऐसे स्थान पर उसको रखे तो रूम टेम्परेचर पर वो अच्छा रहता है। कोई भी रोगी इसको खा सकता है, किसी भी जिसकी पाचन शक्ति अतिशय मंद हो वो थोड़ी कम मात्रा में उसका सेवन करे, बाकी जो सेवन करना है वो 1 से 1.5 चम्मच उसको सुबह में और शाम को भी सेवन कर सकते हैं उसका च्यवनप्राश का। तो ये इतनी जानकारी मेरे हिसाब से, और रोगों की दवाई है तो उसके लिए कोई हानि नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। जैसे हम घी लेते हैं, जैसे घी की आइटम लेते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पाक खाते हैं, उस तरह से ये च्यवनप्राश का सेवन एक फूड सप्लीमेंट की तरह बहुत ही अच्छा परिणामदायी रहता है। तो जो जो लोग इसको करना चाहे सेवन, तो वो च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं जी। तो ये आज थी कि च्यवनप्राश के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब उसमें संस्कृत आर्य गुरुकुलम शुगर जो सल्फर वाली होती है उसका उपयोग कभी नहीं करता है, ज्यादातर बाहर के च्यवनप्राशों में आता है वो शुगर जनरली, लेकिन हम खड़ी शक्कर का घी में भी गिर गाय का घी का उपयोग करते हैं प्योर, और ऐसी बहुत सारी जो औषधियां होती है वो भी ज्यादा से ज्यादा हम प्योर ही, मतलब हो सकते है वहां पर ऑर्गेनिक, और हो सकते है वहां पर जो 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 ताजी ही मिल जाए उसी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा शास्त्रीय विधि से निर्माण करके जो च्यवनप्राश का एक कंसेप्ट है वो समाज में फिर से आए और लोग स्वस्थ बने, इसके लिए करते हैं। तो ठंड की ऋतु में तो ये अवश्य ही सेवन करने लायक है, और उसके बाद गर्मियों में और मतलब बारिश में उसमें भी ये सेवन कर सकते हैं। तो ये जो आज बताना था मुझे उसी की तरह से एक मेध्य रसायन करके है, उसमें 2 विधि है, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ये किन लोगों को ये सेवन करना है, तो अभी तो सभी लोगों को, शारीरिक अक्षमता हो, अशक्ति हो, दुर्बलता हो, या कुछ न हो, लेकिन शरीर को एक नई चेतना के लिए, एक उत्साह के लिए, एक स्टेमिना के लिए, नए कोश को जीवंतता देने के लिए च्यवनप्राश का सेवन सब लोग कर सकते हैं जी। अभी समय हो गया है, उसके बाद हम और 4-5 वस्तुओं की बात अगली बार करने वाले हैं। तो मेध्य रसायनम है और आमलकी रसायनम है या ऐसी चीजों का, तो वो अगली बार रखेंगे। किसी को कोई रोग है और पूछता है, वो 2-3 बातें मैं बता दूं, जो आपसे गूगल फॉर्म आए है वो 112 अब तक फॉर्म हमको प्राप्त हुए है, उसमें से लगभग 35 लोगों को जवाब दे दिया है, दूसरे 25 लोगों को कल जवाब दिया जाएगा। आप ईमेल चेक करते रहे,
तो मेल आपको आता जाएगा, तो लगभग लगभग कल तक 60 लोगों को हो जाएगा। उसके अगले दिन में सारे लोगों को जवाब, लगभग 3-4 दिन में अगले हफ्ते तक सब लोगों को जवाब मिल जाएगा। फिर रेगुलर आपको जवाब मिलता रहेगा फॉर्म से, जो जो चिकित्सा आपके लिए है वो। गर्भावस्था के भी सभी लगभग देख लिए है बहन ने, तो वो भी आपको लगभग 2 दिन में सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा कि क्या उसको आगे करना है। और जो जो लोग चिकित्सा कराने के लिए चाहते हैं वो पर्याप्त फॉर्म भर के उसके साथ रिपोर्ट भेजकर वो करे, उसके बाद जवाब आने पर फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। तब तक वो आपका प्रोसेस में है, हम भूल नहीं गए हैं, लेकिन उसमें देर लगती है एक एक का विचार करने के लिए। तो रोज हम 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो रोज 5-5 करके हम कर रहे हैं। कल फिर 25 लोगों को और लोगों को जवाब मिलेगा। तो मेल आपने जो मेल आईडी दिया है उसको चेक करना है आपको, चेक करते रहिए वो आ जाएगा आपको, और नहीं आए तो फिर आपको पूछना है, लेकिन वो 15 दिन के बाद। अभी तो 35 तक आ गए हैं और उसके बाद के अभी हम कल 25 लोगों को भेज देंगे, तो लगभग एक हफ्ते में हम पूरा ही उसकी व्यवस्था बिठा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये ऑनलाइन जो चिकित्सा है उसका लाभ ले सके। तो ये एक था। किसी को और कोई प्रश्न है आयुर्वेद के, मतलब इस प्रकार के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी प्रणाम आचार्य, वैसे बोल रही थी, मुझे ये वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है बहुत सालों से, 8-10 सालों से, तो उसके लिए कुछ औषधि या चिकित्सा हमारे यहाँ उपलब्ध है क्या? जी जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि वो आज बहुत ही एक बड़ा रोग है अभी के, ऐसे एक एक व्यापक रूप में ये देखने को मिलता है। उसको समझेंगे पहले और उसके बाद हम क्या क्या अपने उसमें, आपका एक आहार असर करेगा, दूसरा विहार असर करेगा, और उसके बाद औषध असर करेगा। जो आप बिना आहार विहार को ध्यान दिए आप औषध करेंगे तो उतना लाभ मिलेगा नहीं, चाहे एलोपैथी हो या कोई भी पति हो। आयुर्वेद ये कहता है कि वेरिकोज वेन का आयुर्वेद में नाम ग्रंथि स्रोत है, तो उसको दो प्रकार के नसों का काम होता है, एक तो आर्टरी होती है एक वेंस। आयुर्वेद की परिभाषा में एक धमनी होती है और दूसरी शिरा होती है पूरे, तो जो हमारे हार्ट से खून को ले जाती है और उसके बाद उसको शुद्ध करने के लिए वापस पहुंचाती है, पहुंचाने के बाद फिर से वो पंपिंग करके वो पूरे शरीर में पहुंचता है, तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू रहती है। अब उसमें जो खून ले जाने वाली है और उसके बाद वो उसको भेजने वाली है, तो जो अशुद्ध खून जहां से जाता है और शुद्ध खून बहता है, शुद्ध खून की सप्लाई होती है और वहां से फिर अशुद्ध खून जो होता है वो वहां पर जाता है, मतलब कुछ 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 कुछ, और फिर से वो साइकिल चालू होती है। तो आर्टरी और शिरा ये दो है, उसमें आयुर्वेद में उसकी पूरी गणना की है। उसमें जो अशुद्ध खून को जैसे जैसे वो सप्लाई करती है तो उसको कहते हैं शिरा, और शुद्ध खून की जो सप्लाई करती है उसको कहते हैं धमनियां। तो वो जो शिराए होती है वो पूरे शरीर में हमारे व्याप्त होती है, उसके कितने कितने जालों में कितनी कितनी संख्या में होती है उसका पूरा हिसाब आयुर्वेद में बताया है, उसकी संख्या भी बताई है कि इतनी शिराए पूरा होती है। उसका हमारे ऊपर एक वीडियो है, हमारे स्पेशल इसके ऊपर है कि वेरिकोज वेन को समझे पूरे क्या रोग है। अब वो जो पैर की तरफ की जो शिराए है उसमें ज्यादा देर तक खड़े होने से अव्यवस्थित रूप से आहार विहार करने से, ज्यादा देर तक बैठे रहने से एक पोजीशन में, ज्यादा चलने से, अयोग्य रीति से चलने से, ज्यादा दौड़ने से, या ज्यादा क्षार शरीर में यदि जमा हो गया हो, या शरीर बहुत स्थूल हो गया हो, शरीर बहुत मोटा हो गया, मेद की कोई प्रकार की विकृति हो,
बिना श्रम का जीवन हो पसीना न निकलता, तो ऐसी अवस्थाओं में ये रोग होता है वेरिकोज वेन, जो शिरा शोथ कहते हैं, जो पैर की तरफ की हमारे पीछे की तरफ है वहां पर एक प्रकार की सूजन आती है और वहां पर पेन होता है। तो ये वेरिकोज वेन जो है शिरा का शोथ, वो ज्यादातर बहनों में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी सबसे पहला कारण इसके ये है मुख्यता से आज कारण कि हमारा जो किचन है, जो आहार की व्यवस्था, उसमें पहले तो ठीक था क्योंकि बैठे कर हम रसोई करते थे। आज गैस आ गया है, तो गैस आ गया तो स्टैंड आया है, तो स्टैंड आया है तो खड़े खड़े रसोई कर, अब खड़े खड़े जब रसोई करते हैं तो एक जगह पर हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा भार पैरों पर आता है, तो एक जो शिरा जितनी जिसकी इतनी मजबूत नहीं है उस पर वो फ्लो में थोड़ी तकलीफ होती है, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा ब्लड के सर्कुलेशन का तकलीफ होती है और उसके बाद धीरे 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 करते वो बढ़ता जाता है। घर पर ही कारण है, लेकिन वो कारण को हम जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कितनी भी औषधियां करेंगे, डॉक्टर करें, बहुत लोग कहते हैं, और हमने केवल ये एक विहार को बदलने से वेरिकोज वेन बिना दवाई से ठीक हो गया है। हम बहुत 2-3 साल पहले जब हम यहाँ पर चिकित्सा राजकोट में करते थे, मतलब जो मैं, तो उसमें 2-3 बहनें आई थी और उसमें ये प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा कि आप खड़े खड़े रसोई करते हैं, बोले हाँ। कितने टाइम रसोई होती है, बोले 3 टाइम, 3 टाइम खड़े खड़े करते हैं, दवाई भी लेते हैं और रसोई भी, क्योंकि मना नहीं किया है डॉक्टर ने, किसी को ने बताया नहीं। तो मैंने कहा कि ये छोड़ दीजिए, साधारण एक तेल का रवात रोगर मसाज ऑयल है उसका मालिश करिए पीछे की साइड पर, और केवल उसको केवल एक दवाई दी थी, वो दवाई से, मतलब वो एक ही दवाई से वो शॉट ठीक हो गया था। लगभग लगभग वो उस समय लगभग त्रिफला गूगल या फिर सप्तविंशति गूगल दी थी उस टाइम की दवाई, मैं बता रहा हूँ आपको, योगराज गूगल या सप्तविंशति को गूगल दी थी, कोई भी प्रकार की गूगल की प्रिपरेशन इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। तो आयुर्वेद में हम जो संस्कृति गुरुकुल में बनाते हैं उसमें 2-3 प्रिपरेशन इसमें यूज कर सकते हैं, एक तो ग्रंथिभेद कैप्सूल उपयोग कर सकते हैं, एक रूमोग्रीन कैप्सूल उपयोग कर सकते हैं, रूमोग्रीन ग्रंथिभेद और चंद्र प्रभा वटी करके एक बनाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम है। वात रोगर मसाज ऑयल से मसाज करना है तो वो एक, क्या क्या बदलना है, सबसे पहले खड़े खड़े रसोई करते हैं तो बैठ कर करना शुरू करें, एक पोजीशन में ज्यादा देर खड़े न रहे, अतिशय बैठे नहीं और ज्यादा एकदम चले नहीं, थोड़ा चले बैठ जाए, चले बैठ जाए, रोज मसाज करके सूर्य स्नान करे, सूर्य की रोशनी को सेवन करे, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी में उसको पैरों को भिगोए, मतलब ऐसे रखे उसको, तो भी उसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है सर्कुलेशन में। तो इतना करके विरुद्ध आहार का सेवन न करे और खास करके क्षारीय वस्तु जैसे नमकीन हो गया और क्षार वाली, तो ये इससे वेरिकोज वेन में बहुत ही लाभ मिलता है और कोई कोई योगासन भी आप कर सकते हो उसमें, लेकिन ज्यादातर आप खड़े खड़े रहना को छोड़ दीजिए। यदि खड़े होकर रसोई बनाते हैं तो उसकी कुछ व्यवस्था सोचिए कि जैसे आप बैठकर रसोई बना सके, तो ये वेरिकोज वेन के लिए इतना, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हम आयुर्वेद के, आयुर्वेद से हम किसी भी बहुत बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं क्या, और अगर हमें आयुर्वेद सीखना है तो आपके इधर कोई व्यवस्था है क्या कि किसी सामान्य आदमी को सीखना है तो? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो आज जगत के सामने समस्या है और हम इसके ऊपर इसलिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है केवल विचार करते हैं, उसका करेंगे। पहली बात यह है कि आयुर्वेद सीखने की एक विधि गुरुकुल परंपरा में थी, वो विधि के अनुसार गुरु के सानिध्य में आयुर्वेद जीकर, आयुर्वेद को पूरा जीवन में जीना है, उसके अनुरूप आहार विहार औषधोपचार से लेकर पूरी जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था से आयुर्वेद सीखेंगे
तो बहुत ही उत्तम कल्याण का काम हम कर सकेंगे। तो एक तो रस किसी को है तो ये एक है, दूसरा सीखने की व्यवस्था भी गुरुकुल में सीमित होने से बालकों के लिए केवल प्रवेश दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती है, अभी बढ़ेगी थोड़ा व्यवस्था रहने की हम कर सकेंगे बाहर वाले को, क्योंकि होटल में ठहरा कर हम आयुर्वेद पढ़ाना नहीं चाहते है। होटल में वहां पर वो उठकर हमारे पास आए और होटल का जीवन जिए और फिर सीखे आयुर्वेद, ऐसा हम नहीं चाहते। इसके लिए हमारे यहाँ थोड़ी व्यवस्था करने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हम पूरा तन मन धन से इसमें जुड़े हैं। तो जैसे ही ये गुरुजी की संस्था, मेरा एक लक्ष्य है कि जितना मैं वो संस्था के लिए कर सकूं, क्योंकि इसमें मेरे नाम का नहीं कुछ कोई भी पेटेंट है, नहीं कोई दवाइयां है, वो पूरा संस्कृत आर्य गुरुकुलम में मैं समर्पित हूँ। मैंने जब से गुरुजी के पास गया तब से निर्णय किया था कि संस्कृत आर्य गुरुकुलम को ही बढ़ाना है, मुझे अलग गुरुकुल कोई करना नहीं है, जो होगा वो संस्कृत आर्य गुरुकुलम को ही मैं बढ़ाऊंगा गुरुजी के नाम से ही, और कोई मुझे अलग कोई काम नहीं करना है, उनका ही नाम से उन्हीं का काम करना है। तो इसके लिए गुरुजी ने जो व्यवस्था बताई है पूरी, उसके लिए हम रहने की व्यवस्था कर सके तो पूरा एक साधक वर्ग जिसका इंटरव्यू होगा और इसको यहाँ पर हम सुविधा दे सकेंगे लगभग लगभग एक महीना पहले ट्रायल की, जो पहले सत्र होते थे दीपावली के आसपास उसके अनुकूल वातावरण का, और उसके बाद आपको घर पर जो आयुर्वेद में बताया है अध्ययन करने का, वो अध्ययन रोज चालू रखना पड़ेगा। तो अभी तो व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लगभग लगभग एक आध साल में हम सोच रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि रोज सूत्र का पाठ करके हम करें, ये एक बात। क्या होगा उससे लाभ, ये मैं बताता हूँ आपको। आयुर्वेद जितना हम आयुर्वेद की पद्धति से सीखेंगे उतना हम आयुर्वेद में अंतर में उतार पाएंगे, और आचार्य भी आयुर्वेद को निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और केवल आयुर्वेद की सेवा के लिए वो पढ़ाएगा, तो वो आयुर्वेद का एक अलग दर्शन, एक अलग चेतना का संचार होगा हमारे, क्योंकि ऋषि मुनियों की चेतना आज भी पूरे जगत में व्याप्त है, वो आज भी लोगों को तैयार करना चाहते, वो आज भी मदद करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि कुछ दे जाए, लेकिन इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त जो चेतना है वो चेतना के स्तर से वो मदद करते हैं। तो वनस्पतियों में भी हम देखते हैं कि इतने सारे गुण, इतने सारी गुणों की पूरी एक खदान, और इतने ऐसे बड़े बड़े रोगों को मात करने की एक एक वनस्पति में शक्ति, तो उसको पहचान कर हम लोग, लेकिन उसके लिए मनुष्य भी उतना योग्य चाहिए। केवल पैसा कमाना है, किसी को सेट होना है, तो उसके लिए आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद पढ़कर वो पैसा कमा सकता है, सेट भी हो सकता है, लेकिन इतना छोटे लक्ष्य के लिए आयुर्वेद नहीं है, तो फिर वो कुछ और काम करे। लेकिन यह तप करना हो, जिसको अपने जीवन को जीना हो, बिजनेस आप करते हो तो कितने भी बजे उठे तो चलेगा, धंधा आप किसी का करते हो और किस तरह से भी जिए तो चलेगा, लेकिन जब आयुर्वेद पढ़ते हो, आयुर्वेद का काम करते हो, तब तो हमारे जीवन में नियमन होना है, तब तो हम किसी भी तरह से जिएंगे नहीं जाएगा। तो ये एक पहली बात। दूसरा, यदि ऐसा हुआ, इस पद्धति से आयुर्वेद की पढ़ाई चालू हुई, एक एक रोगों के ऊपर आयुर्वेद ने, ऋषि मुनियों ने क्या बताया है उसका निदान करके, देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये आप ये मत समझिए कि मैं 15 दिन का कोर्स करके आऊंगा और वैद्य का बन जाऊंगा और फिर देने लगूंगा, तो ये सरल नहीं। इसके ऊपर तप चाहिए, इसके ऊपर आपको एक एक रोगों को समझना है पहले, कि ये रोग जैसे एक वेरिकोज वेन आया तो वो पूरी सिस्टम समझनी है कि धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती है, खून का कैसे सर्कुलेशन होता है, उसके क्या कारण अभी के जीवन में है, उसके निवारण आयुर्वेद में क्या बताए है, उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए सर्कुलेशन के लिए आयुर्वेद में विशेष औषधि कौन सी बताई है, उसके क्या गुण है, वो पूरा एक एक रोगों के ऊपर चिंतन होगा पूरा, और मॉडर्न साइंस इसमें क्या मानता है, तो हम कर सकेंगे। तो ये यदि इस तरह से आयुर्वेद का अध्ययन हुआ तो ऐसा कोई जगत में रोग नहीं है आज की डेट में कि उसका इलाज न हो सके। लेकिन आयुर्वेद में फिर जितने मार्ग बताए वो सबका अनुसरण करना रहेगा, अग्निकर्म का, पंचकर्म का, मंत्र का, औषधि के सेवन का, स्वस्थ वृद्ध का, सदवृद्ध का, यज्ञ थेरेपी का, सूर्य चिकित्सा का, वो सारे लेकर
हमको इसमें से जो जो योग्य होगा व्यक्ति को वो उसको सिखाना पड़ेगा, वो उसको देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आज जगत में एकमात्र पूर्ण किसी के पास विज्ञान हो बड़ा तो मात्र एक आयुर्वेद है, बाकी का सब छोटा छोटा उपयोग हम कर सकते हैं, अर्जेंसी में एलोपैथी का, कभी किसी का, कभी होम्योपैथ का, कभी नेचुरोपैथ का, कभी, लेकिन एक पूर्ण जीवन दृष्टि हो, एक बहुत व्यापक, जैसे मुझे सुनते हैं तो मुझे सुनने के बाद भी आप टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और भी आप और लोगों से सीखते होंगे, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से ट्यूशन करते होंगे योग का, लेकिन आपको पता है कि ये वर्ग का मूल्य आप यहाँ पर कुछ देते नहीं है पैसा, उसको आप 200 रुपये महीने देते हो या 500 या 1000 देते हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये क्लास की वैल्यू कितनी वो क्लास में और ये क्लास में, तो थोड़ा तो अंतर है शिक्षक में या परंपरा में, या हमारे पीछे गुरुजी है और एक नॉलेज की परंपरा है, तो ये एक एक स्ट्रोंग है, उस तरह से आयुर्वेद है। आयुर्वेद आप और भी पथ्य का उपयोग करो और भी चिकित्सा पद्धति का, लेकिन आयुर्वेद को पूर्णता है, तो वो पूर्णता से आयुर्वेद को देखकर यदि हम चिकित्सा करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ और मैंने ऐसे परिणाम देखे हैं, इसके लिए मैं मानता हूँ कि कोई भी रोग में इसका परिणाम आना ही है, मतलब इससे परिणाम आता ही है। तो आज केवल हमको वो दिशा में प्रामाणिक रूप से इतना समय देकर हमको प्रयत्न करने की जरूरत है, तो हम लोग तैयार है, और ऐसे जेन्यून डॉक्टरों को या ऐसे जेन्यून जो सीखना चाहते हैं उसी को हम कहते हैं, जिसको सीखे बिना कुछ करना है 15 दिन 20 दिन में ही पूरा डॉक्टर, तो उसके लिए गुरुकुल नहीं है, यहाँ मेहनत है, सुबह से लेकर रात तक अध्ययन करना, प्रैक्टिकल करना, वनस्पति को पहचानना, आमंत्रण देने की विधि को सीखना, तो कटाकूट है उसको, जिसको ये सब वो लगता है कि ये सभी मगजमारी माथापच्ची है, उसका ये काम नहीं, शास्त्रीय पद्धति से जो जो लिखा है उस तरह से प्रयोग करते जाएंगे हम, तो 100% ये इतना बड़ा विज्ञान है, इससे हम बहुत लोगों का कल्याण कर सकेंगे, और आयुर्वेद में वर्ल्ड को आज सीखना आना है तो वो एक दिन आएगा ऐसा थोड़े वर्षों में कि उसको आयुर्वेद में भी गुरु परंपरा से आयुर्वेद का ही महात्म्य बढ़ेगा, तो ये अभी हम आशा रखते हैं कि ऐसा हो जी। तो अभी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, रहने की व्यवस्था नहीं बड़े लोगों की, तो वो धीरे धीरे हम कमरे बनाएंगे 15-20 कमरे, तो उसमें आप लोग, और बाहर होटल में ठहरा कर हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसके लिए वो व्यवस्था होगी तो आपको बुलाकर नियमित रूप से हम यहाँ आयुर्वेद का वर्ग शुरू करेंगे जी। जी हाँ पूछिए भैया। आचार्य जी मेरा नाम ऋचा है। नाम जी हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा एक तो इसी से प्रश्न रिलेटेड था जो अभी आपने बताया पढ़ाने का आयुर्वेद, तो मेरा ये सुझाव था कि जैसे आप ये आयुर्वेद सप्ताह में 1-2 बार पढ़ा रहे हैं क्लास, तो यही अगर आप डेली का मतलब अपने हिसाब से जैसे आप कर सकते हो, लेकिन एक दो घंटे का मतलब इसको बढ़ा कर हफ्ते में 5-6 घंटे एटलीस्ट। ओ देखिए ऐसा इसकी एक सिस्टम है कि वो राजेश्वर राव जी है या संपूर्ण स्वदेशी वो निर्णय करेंगे, क्योंकि वो दोनों का जिम्मेदारी आता है। मेरी जिम्मेदारी तो एक है सामने पब्लिक की जो सीख रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वो प्रचार करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, और उसके पीछे जैसे पूरी मेहनत करे फॉरवर्ड से लेकर। तो राजेश्वर राव जी को आप बताइए, उनको ऐसा लगे कि आप लोग इतने तैयार है कि संख्या हो रही है पूरी, और इसके लिए आप सब लोग मेहनत करें, पब्लिक जो सीख रहे हैं वो लोग, तो वो काम मतलब वो टीम का है जो लोग कर रहे हैं, राजेश्वर राव जी संपूर्ण स्वदेशी, वो मुझे कहेंगे कि अभी लोगों की भूख है, क्योंकि वो तटस्थ से ऐसे करेंगे कि लोगों को भूख है नहीं है क्या है, तो मैं अवश्य मैं समय दूंगा उसके लिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन समय मेरा कीमती है और समय में तो दूंगा जो आप अपना कर्तव्य करेंगे। मुझे पैसे तो नहीं चाहिए किसी से, लेकिन इतना तो मैं चाहूंगा ना कि आप मेहनत करें, जो आप सीख रहे हैं वो मेरा नॉलेज नहीं, वो गुरुजी का है,
और गुरुजी की ये इच्छा है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उतना तो हमको करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने स्टेटस से लेकर शेयर करने के लिए कुछ भी एडवर्टाइज करनी पड़े, कुछ और फेसबुक में देना पड़े, 5-25 रुपए खर्च हो तो वो भी करे आप, वो सीधा वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको ये लगे कि इतना करने के बाद लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो लोगों को जोड़िए, और जैसे ही जुड़ेंगे तो हम आगे आयुर्वेद का माहौल बनाकर करेंगे, बराबर ना राजेश्वर जी? क्या कह रहे हैं इस तरह से? बराबर है, बराबर जी। ऐसा करेंगे आप, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, क्योंकि सामने आपको मेहनत करनी होगी। गुरुजी हमको भी बताते थे कि भाई मैं तो कराता हूँ, लेकिन आपको भी सामने इतनी मेहनत करनी होगी, जो राजेश्वर जी कर रहे हैं फॉरवर्ड वगैरह, तो आप सब लोग करना चालू कर दे सब जगह पर, तो आयुर्वेद का वातावरण क्यों नहीं बनेगा? मैं तो तैयार हूँ। आप कहेंगे 2 घंटा क्लास लीजिए, मैं लूंगा, लेकिन सामने आप उतना एफर्ट्स फिर प्रचार में दीजिए, आप दूसरों को इसके लिए दीजिए, अलग 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 जगह पर किस तरह से कर रही है उसका प्लानिंग राजेश्वर जी के साथ रहकर करिए, कि भाई वो आपको गाइड करेंगे कि भाई किस तरह से आपको क्या करना है। जी जी सर, मेरा प्रश्न ये था अपनी बीमारी से रिलेटेड कि जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, मुझे आम वाप जो होता है ना, एसिडिटी और वाप, वो बहुत ज्यादा हो गया था जी। तो बहुत ज्यादा हो गया था, तो सर ये गर्दन पूरी ऐसे झुक गई थी, इतना तेज अटैक टाइप का हो गया था। तो यहाँ पे जो डॉक्टर ने महायोगराज गुगल और अश्वगंधा दिया था, वो मैंने 6 महीने करीब खाया है। उसके अलावा मैं जैसे एक्यूप्रेशर करती हूँ, तो मैंने एक्यूप्रेशर किया है, तो मैं एक्यूप्रेशर ही कर रही हूँ, 1 साल हो गया प्रॉब्लम से, तो काफी ठीक हो गया है, मतलब 80% ठीक हो गया है। लेकिन अभी लास्ट का थोड़ा बचा है, तो मैं अभी एक्यूप्रेशर से ही कर रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी आपका ये मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद वापस ऐड कर दूं। तो सर आयुर्वेद की जैसे पहले महायोगराज गूगल लिया था, तो अभी मैं योगराज गूगल लाई हूं, तो मुझे लगा शायद अब कम दवा चाहिए होगी, तो क्या ये सही है कि अब महायोगराज गूगल की जगह योगराज गूगल कर दूं, और साथ में अश्वगंधा लेना है क्या? उसके साथ ही दोनों चीज कहा था डॉक्टर ने। ठीक है, अब ये रोग का बहुत ही पहली बार किसी ने विचार किया हो, और आज मॉडर्न साइंस भी बहुत विचार करके वहीं पर पहुंच गया। आयुर्वेद में जिसको रूमेटोइड आर्थराइटिस कहे या स्पोंडलाइसिस कहे, कहीं पे इधर दर्द हो या ऐसा नहीं कहे तो फ्रोजन शोल्डर कहे, तो ऐसे अनेक रोग का मूल एक ही है। ऐसे ये अलग अलग रोग कोई अलग अलग वस्तुओं से नहीं होते हैं, वो केवल एक ही मूल से ये सारे पत्ते होते हैं, जैसे एक डाली में सारे पत्ते होते हैं, कोई यहाँ उगा कोई यहाँ। उस तरह से न पचा हुआ आम जब रहता है शरीर में, और वो छिद्रों को पैक करता जाता है पूरे छिद्रों, और उसके बाद जो इकट्ठा होता है आम, उसके कारण वायु अवरुद्ध हो जाता है, वायु निकल नहीं पाता है, इतना सर्कुलेशन वायु का होता नहीं, तो इसके कारण वहां पर वो वात का दबाव होता है, वात के दबाव की वजह से हमारा शरीर टूटता है, पेन होता है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है न वाते न विना शूलम, जहां जहां पर भी शूल हो पेन हो वहां वहां पर वायु की विकृति को समझना है। तो इसके लिए जो जो लोग ऐसे रोग से आज जूझ रहे हैं, लगभग 60-70% तो ऑपरेशन हो रहे हैं, और वो ऐसे ऑपरेशनों में लाखों रुपया खर्च होकर व्यक्ति जीवन भर के लिए पराधीन हो जाता है कि वो फिर कोई काम नहीं कर सकता है। और आयुर्वेद के पास इतनी अच्छी औषधियां है कि उसको केवल 2-3 महीने की सारवार से उसको बिल्कुल ठीक कर सकते है। अब कहां ऑपरेशन और कहां पूरी झंझट, और कहां आयुर्वेद के एक सामान्य नियम, थोड़े औषधोपचार, थोड़ी औषधियां, केवल 2-4 ही, और बस केवल थोड़े उसके नियम, तो ये एक बहुत अच्छा मिरेकल रिजल्ट ये रोगों में है। अब आपने बताया कि आम बात मुझे था, तो ये अलग प्रकार के बहुत सारे नाम इसको दे सकते हैं, शायद स्पोंडलाइसिस आपको हुआ हो पीछे की पायापाक पर हो, तो सांधा दुख रहे हो तो रूमेटोइड आर्थराइटिस कहते हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस हो हुआ हो, या कोई भी प्रकार का ऐसा हो तो आम मुख्य है।
आयुर्वेद में आप कोई भी लीजिए, महायोगराज गूगल भी काम करेगी, सिंहनाथ गूगल भी काम करेगी, इसमें आपने जो अश्वगंधा बताया है वो भी काम, अश्वगंधा का भी काम है। मुख्य दो औषधि हम लोग बताते, ये सामान्य औषधियां है पूरी, ये महायोगराज, योगराज, अश्वगंधा, उसमें से आप दो या तीन, महायोगराज कोई भी या योगराज वो कोई भी ले। मुख्यता से आपको क्या करना है, आम का पाचन करना होगा, तो ज्यादा ये रोग में ठीक, मतलब ज्यादा होगा तो आम का पाचन करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि बताई है जिसका नाम है सूंठी। जो सोंठ होती है वो आम पूरे शरीर में क्या करती है, आम का पाचन कर देती है। तो इसके लिए आप एक पहला नियम, जो लोगों को स्पोंडलाइजिस, फ्रोजन शोल्डर या पैरालिसिस की हिस्ट्री कोई भी प्रकार का, या फिर ऐसे रूमेटोइड आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, ऐसा कोई भी वेरिकोज वेन या ऐसा कोई भी प्रकार की बीमारी बात संबंधित हो, तो वो लोग एक याद रखे, वो लोग उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिए, क्योंकि कच्चे पानी से आम होता है तो वो ऐसे रोगों बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कोई एलोपैथिक साइंस नहीं बताएगा आपको कि आपको पानी कैसा पीना है, और आपके बीमारियों का मूल वहां छिपा होता है कि आप कैसा पानी पीते। तो पहला नियम ये करिए, पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ, और खास करके सूंठ डालकर उसको पिए, मतलब एक चम्मच सूंठ एक लीटर पानी में डाले और उसको उबाल कर दे, उसको उबाल कर केवल एक लीटर पिए, बाद में आपको यदि ऐसा लहत की नहीं है तो बस तो दूसरा सिंपल पानी उबाल कर पिए, लेकिन पहला एक लीटर पानी में तो आप कम से कम एक चम्मच या दो चम्मच सूंठ ही डालकर ऐसा पानी पिए, आपको लगेगा कि बात में आम पाचन हो जाएगा, तो आपकी ये दुगनी गति से ठीक होना शुरू हो जाएगा केवल एक औषधि से, सूंठ पानी में ये करके उबाल करके उसके बाद उसको छान करके पीना है। पहली बात, ये बहुत अच्छी औषधि है। दूसरी, किसी को भी हड्डी के प्रॉब्लम है उसके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है अस्थि श्रृंखला। अस्थि श्रृंखला करके एक पूरी एक बेल होती है, और उसको आप यदि किसी को हड्डी में लग गया हो, आपकी हड्डियां दुख रही हो, तो उसको थोड़ा क्रश करके, वो घर पे उग सकती है, घर पे आप उगा सकते हैं अस्थि श्रृंखला को। वनस्पति परिचय हम करवाएंगे तो हमारे गुरुकुल में है अस्थि श्रृंखला, हम दिखाएंगे उसका फोटो वगैरह, तो उसका आप क्या करें, उसको मतलब क्रश करके उड़द के आटे में उसके भजिया जिससे बनाते हैं भजी तिल के तेल में, वो एक हफ्ते में एक बार लीजिए अस्थि श्रृंखला का। अस्थि श्रृंखला का चूर्ण भी ले सकते हैं आप, अस्थि श्रृंखला बहुत प्रसिद्ध है, अस्थि श्रृंखला का चूर्ण ले सकते हैं आधा आधा चम्मच रोज, तो भी काम करेगा। तो ये एक बहुत औषधि हड्डियों के रोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, अस्थि श्रृंखला, उसका नाम ही अस्थि श्रृंखला है, तो अस्थि के ऊपर इसका विशेष कार्य है। केवल ये दो, बाकी का शुरू रखे, अश्वगंधा हो, महायोगराज हो। तीसरा, एरंड तेल का आप प्रयोग करें, एरंड तेल है वो भी आम पाचन करता है और वात के रोगों को नाश करता है, तो कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं हफ्ते में दो या तीन जी। और कोई एरंड तेल को कैसे लेना है? एरंड तेल को आप दूध के साथ ले सकते हैं, एक चम्मच, या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और एक हमारा आता है वात रोग और मसाज तेल, वात रोग और मसाज तेल का रोज यहाँ पर मसाज करें आप, तो और थोड़ी देर धूप में खड़े हुए तो वो आप देखेंगे कि उससे बहुत ही लाभ मिलेगा जी। प्रणाम आचार्य जी जी। निम्न रक्तचाप का कोई इलाज है क्या जी? अभी देखिए, इसको भी समझना पड़ेगा, आयुर्वेद में इसका वर्णन बहुत प्राचीन ग्रंथों में मिला, जैसे हमको लगा कि हाइपरटेंशन है या ऐसा हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको मॉडर्न व्याधि है, ये मतलब एक नया रोग निकला है, लेकिन नया नहीं था वो, पुराने में इसका वर्णन मिलता ही था, उसका केवल नाम अलग था। तो उसी तरह से दूसरा छोर जो उसका है वो निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, तो ये आयुर्वेद में इसका भी वर्णन आया है। अब उसके लिए क्या करें, तो उसमें दो बातें, देखिए व्यान वायु पूरे शरीर में ब्लड को ले जाता है,
व्यान सर्व शरीर का, सर्व स्थान पर ब्लड को एक एक स्पीड से पहुंचाने का काम वो करता है। व्यान वायु जब विकृत होता है कोई कारण सर, तो उतना फ्लो उतना प्रेशर से उतना गति से नहीं जाता है, तो उसके कारण वो व्यान वायु और रक्त का फ्लो वो दोनों को मतलब एक रिदम नहीं होती है, तो उसके कारण लो ब्लड प्रेशर आता है। उसके लिए जहां पर रक्त जो फ्लो में जाता है वो नहीं जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो हमको चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, अशक्ति होती है। तो उसके लिए सबसे पहला हम जो लो ब्लड प्रेशर के लिए उपयोग करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला एक उसकी औषधि है रोज बला अश्वगंधादि तैलम से, जैसे कोई भी तैलम से मसाज करना शुरू करें। सर्कुलेशन ठीक करना है, आयुर्वेद में एक उपाय दिया है अभ्यंग, अभ्यंगम आचरेत नित्यम, रोज शरीर को अभ्यंग करना है, रोज उसको मसाज करना ही, मतलब जिसको लो ब्लड प्रेशर है। एक बात, दूसरी बात, कैसे उसका सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसको गर्म चीज कोई खानी है जो उष्ण वीर्य, तो आज के जमाने में आप कहे तो चाय, तो चाय का एक फायदा है कि वो लो ब्लड प्रेशर की एक बहुत अच्छी दवाई, तो यदि आप उसका सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं तो उसका औषधि के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कुछ औषधि डाल के उसका उपयोग, चाय का उपयोग कर सकते हैं आप। दूसरा, तीसरी औषधि आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध और वर्षों से हमने परीक्षित की हुई है, उसका नाम है 64 प्रहरी पीपली। पीपल जो आयुर्वेद की औषधि होती है उसको 64 प्रहर तक उसको मर्दन किया जाता है, मर्दन करके उसको बाद में बनाया जाता है, उसका एक नाम है 64 प्रहरी पीपल। 64 प्रहर तक लगातार 8 दिन तक जब उसको घोटा जाता है, तो प्रहर कितने होते हैं, 8 दिन के और 1 दिन के 8 प्रहर, तो 8 दिन और 1 दिन के 8 प्रहर, तो दिन रात मिलकर 8 दिन तक लगातार पेरे खरल करते थे। गुरुजी के यहाँ हम थे तो बिना रुके उसको खरल करने का होता था, मतलब एक विद्यार्थी थक गया तो दूसरा करता था, दूसरा थक गया तीसरा, कंटिन्यू 8 दिन में रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे 20-25 विद्यार्थी होते थे, तो रोज क्रम आता था रात को जगने का, और उसमें पीपली को खरल करना है, खरल फिर एक हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा करता, तीसरा चौथा, तब वो पीपली के गुण बाहर आते हैं। और वो 64 प्रहरी पीपल आज मशीन आ गए हैं, तो मशीन ऐसे हम कर देते हैं तो मशीन से वो खरल करते हैं, खरल करते हैं तो वो किया जाता है। तो कहीं कहीं मशीन का उपयोग होता है ताकि वो कंटिन्यूज रहे, तो कंटिन्यूज हम भी हाथ से करते हैं, रात को मशीन होती है, तो इसके लिए 64 प्रहरी पीपल है वो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। गुरुकुल पे उसकी कैप्सूल बनती भी है, लेकिन वो केवल विंटर में बनती है, ठंड में, तो इस बार बनेगी तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं या कहीं से भी, तो वो बहुत ही अच्छी लो ब्लड प्रेशर की औषधि है। और सबसे महत्वपूर्ण औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा का आप सेवन करेंगे तो, या हमारा जो आता है अश्वगंधा वाला च्यवन प्राश है, या तो फिर अल्फा अल्फा प्राशन है, अल्फा अल्फा भी बहुत ही अच्छी औषधि है, तो अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं। और अंतिम में अल्फा अल्फा भी लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयुक्त है, तो अल्फा अल्फा प्राशन भी एक चम्मच सेवन कर सकते हैं। इतनी औषधियां लो ब्लड प्रेशर के लिए बताई है, तो खास करके सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए मसाज है और ऐसी औषधियों का सेवन है, तो वो कोई तकलीफ इससे होती नहीं है और परमानेंट इसका इलाज होता है लो ब्लड प्रेशर का। जी आगे गुरुजी, गुरुजी नंदा बोल रही चेन्नई से, मेरी उम्र 49 है और मुझे मेनोपॉज हुआ था 4 साल पहले, 4-5 साल अप्रोक्सीमेटली, और अभी मेरे शरीर में 3 प्रॉब्लम है, एक तो बाल बहुत गिर रहे हैं, वेट बहुत कम हो गया है और भूख नहीं लग रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए इसको तो आप, हमारा गूगल फॉर्म की व्यवस्था है,
तो मुझे थोड़ा उसका देखना पड़ेगा कि आपको ये किस कारण से हुआ है। तो वो गूगल फॉर्म भर के आपका वेट से लेकर सब कुछ sanskritigurukulam.com वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भरे सीधा अपना नाम वगैरह, 7 दिन में उसका आपको मिलेगा आंसर, उसकी दवाई लिखकर। तो वो आपको हम उसका कारण मेनोपॉज है तो उसके लिए क्या क्या दवाई है वो हम लिख कर भेजें। जी और कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम गुरुजी। एक 62 ईयर की महिला है, उनको कान में सुनने की समस्या नहीं पाती है और डॉक्टर कहता है मशीन लगाने के लिए, उसका क्या आयुर्वेद से कोई इलाज है जिससे वो अच्छे से सुन सके? आयुर्वेद में इलाज तो इसका है, लेकिन इसमें कर्ण पूरण करके एक प्रक्रिया आती है आयुर्वेद की, जो शालक्य तंत्र का है। तो यदि उसको मशीन से काम हो जाता है तो वो लगाए, मतलब वो तो मोबाइल साथ में रखते हैं, उस तरह का काम है। तो ये कोई बड़ा ऑपरेशन उसमें नहीं है, तो वो लगाए। उसको कोई कान में और कोई तकलीफ है सुनने के लिए, क्योंकि यदि उसको कराना है तो पंचकर्म कराना पड़ेगा, वापस फॉलोअप लेना पड़ेगा वापस ये। तो वो मशीन ही केवल यदि है ऐसा, तो मशीन में कोई हानि नहीं है, वो लगा सकते हैं, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। उसको मशीन अच्छा ना लगे या तकलीफ हो तो फिर बताइएगा, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे। जी बाहर में कहीं पंचकर्म का सुविधा है क्या? पंचकर्म उसका होता है, उसको कर्ण का शोधन होता है पंचवल्कल क्वाथ से। तो वो आयुर्वेद का शालक्य विभाग है, शालक्य तंत्र आपके नजदीक में कहां पर वो हो तो शालक्य तंत्र से उसका इलाज होता है। और उसके बाद कर्ण को पूर्ण करके उसके बाद उसमें विभिन्न प्रकार के तेलों को डाल करके फिर उसका इलाज किया जाता है, तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन ये आपके यहाँ ये होना चाहिए पंचकर्म वगैरह। जी हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। जी 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 मैं बिहार से बोल रही हूँ गुरुजी, मनोरमा। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना, सुनाई दे रहे सब। आपके यहाँ के प्रोडक्ट, आपके यहाँ के प्रोडक्ट लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसकी सुविधा कैसे उपलब्ध हो पाएगी? वो अभी व्यवस्था चल रही है। बालिकाओं को, बालिकाओं को करीब मतलब 10 साल या फिर 20 से 25 साल लड़कियों को ज्यादातर वो व्हाइट चार्ज डिस्चार्ज वाली होती, मतलब जस्ट लाइक लुकोरिया की बीमारी, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए महिलाओं को पहला तो हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट में कोई कोई तकलीफ हो रही है वो भी हम सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था तो लगभग 15-20 दिन में वो बन जाएगी पूरी व्यवस्था। कुछ सिस्टम में सुधार कर रहे हैं कुछ अलग, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखे, वो पूरी हो जाएगी सभी व्यवस्थाएं। और पेशेंट के लिए तो गूगल फॉर्म की व्यवस्था कर दी ताकि वो लोग आसानी से भरकर, हम 4-5 वैद्य उसके लिए है तो वो लोग तैयार करके, अब सिस्टम में कैसे उसको करे वो तो हो जाएगी एक बात। दूसरी बात ल्यूकोरिया जिसको है वो एक बात याद रखे, खास करके बहनों को मेंसिस के समय पर जो ज्यादा श्रम होता है, आहार विहार वो लोग उसी समय गलत प्रकार का करते हैं, कपड़े अलग मतलब टाइट कपड़े पहनते हैं जींस जैसे, तो ये सारे के सारी तकलीफें फिर शुरू होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग होना, इचिंग होना। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ कारण बताए हैं योनि रोग के, योनि रोग 20 प्रकार के बताए हैं, उसमें ये सारे की सारी विषयों का वर्णन किया गया है। तो ल्यूकोरिया जिसको भी है, जिसको हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, वो थोड़े औषध प्रयोग जान ले। एक तो खास करके चावल का जो पानी होता है वो बहुत अच्छी औषधि है इस, तो चावल का जो हम गर्म करके जो ऊपर का पानी है वो सेवन करने का रखे, कोई दवाई ले रहे हैं तो वो पानी के साथ ले सुबह और शाम। तो एक तो ये चावल का पानी जिसको बोलते हैं, वो मंड कहते हैं उसको, बराबर है। तो वो ऊपर वाला जो होता है वाइट उसको, वो एक। दूसरा उसकी सबसे अच्छी औषधि है, उसका एक प्रयोग है, वो केला है। केला उसके लिए सबसे अच्छी औषधि है वाइट डिस्चार्ज वालों के लिए।
तो वाइट डिस्चार्ज जिसको है उसका आयुर्वेद में एक औषधि आती है प्रवाल पिष्टि। तो प्रवाल पिष्टि या मतलब ले सकते हैं बाजार से या ऐसा कुछ, या कोई ऐसी दवाई ले सकते हैं जिसमें प्रवाल पिष्टि आती हो, तो प्रवाल पिष्टि ही ले सीधा थोड़ा पाउडर और केले में इसको डाल दे और वो केला का सेवन करे लगातार। उसको केले का सेवन लगभग 15 दिन से एक महीना कंटिन्यू करना है और ऐसे प्रयोग जो सालों से नहीं मिटने वाले ल्यूकोरिया वो केले के प्रयोग से और हमारी कोई दो तीन दवाई से, जैसे हमारी एक दवाई आती है वामासेफ डब्ल्यू वाइट डिस्चार्ज के लिए, इसके लिए डब्ल्यू लिखा है, वामासेफ बी ब्लीडिंग के लिए, इसके लिए बी लिखा है। तो वामासेफ डब्ल्यू वो योग ऐसा है और वो कोला खाने से उसके साथ बहुत ही अच्छे परिणाम, सालों से नहीं मिटने वाले वाइट डिस्चार्ज मिट गए। और कोई यदि गुरुकुल पर आता है तो उसको कोई कोई गर्भाशय के अंदर एक प्रकार की गांठ होती है और उसके कारण भी ल्यूकोरिया हो सकता है, तो उसके लिए हम अग्निकर्म करते हैं और वो सबसे कठिन अग्निकर्म कहा जाता है। वो केवल हम पूरे गुजरात में लगभग दो तीन लोग ऐसे है कि जो उस प्रकार का अग्निकर्म योनि मार्ग से होता है वो कर सकते हैं। उसमें से हमारे गुरुकुल के वैद्या पूजा बहन है वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड जितना भी हो अग्निकर्म तो वो कर सकते हैं। आयुर्वेद की बहुत ही गहन सर्जरी होती है, कल हम उसके वीडियो भेजेंगे आपको राजेश्वर राव जी को कहकर कि कोई एक अच्छा एडिट करके हम भेजेंगे कि अग्निकर्म कितना परफेक्ट साइंस है। तो लेकिन वो कम लोगों को जरूरत पड़ती है अग्निकर्म की उस स्थान पर। लेकिन ये दो दवाई आप याद रखे, एक तो चावल का पानी और एक केला। जी हेलो हेलो प्रणाम गुरु जी। और फिर प्रवाल पिष्टि पाउडर जो बोले, कौन सा प्रवाल पिष्टि पाउडर आपको कहीं भी मिल जाता है, वो थोड़ा इतना लेना होता है और वो केले में डालकर केला खा जाना है बस। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ आपने बताया। हाँ बोलिए। शरद ऋतु में वो हरड़ चूर्ण खाना है शरद ऋतु में, तो अभी तो शरद ऋतु जाके बसंत ऋतु आ गए हैं, तो अभी भी हरड़ चूर्ण क्या कंटिन्यू कर सकते हैं और वो प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकते हैं वो हरड़ चूर्ण? हरड़ हमेशा लेनी है उसको, कोई तकलीफ नहीं, उसको ऋतुवरि तक ही कहते हैं। तो हरेक ऋतु में हरड़ ले सकते हैं, पहली बात गर्भवती महिलाएं नहीं ले सकती है, गर्भवती महिलाएं कोई भी प्रकार का विरेचन नहीं ले सकती है, केवल एक विरेचन ले सकती है वो है अमलतास का। उसके लिए हमने एक सिरप बनाया है अमलतास त्रिफला का, अमलतास त्रिफला सिरप, केवल वो एक ले सकती है, बाकी कोई भी प्रकार का विरेचन हरड़, हरड़ को आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधि बताई है, लेकिन तो भी किस अवस्था में सेवन न करे उसको जब कहना था तब उन्होंने बताया गर्भावस्था में हरड़ का सेवन न करे, तो गर्भावस्था को छोड़कर आप कर सकते हैं। जी जी गुरुजी ठीक, नमस्ते। और गर्भावस्था में यदि आपको लगा कॉन्स्टिपेशन है बहुत, तो क्या करना, उसको हरड़ को भिगो देना रात को, फिर सुबह उसका पानी पी लेना, हरड़ सीधी नहीं लेना लेकिन हरड़ जो भिगोई है उसका पानी सुबह पी लेना। जी आगे रविंद्र जी। जी बोलिए बोलिए। भोजन के बाद कितने समय बाद पानी दवा ले सकते हैं? आधा घंटा, पौना घंटा, कितने समय अपन आधे घंटे से पौने घंटे के तक। जी सिरप है तो तुरंत भी ले सकते हैं, जैसे पुदीन जीरा हो गया वो भोजन किया तुरंत ले सकते हैं, और कोई दवाई रस औषधि वगैरह है तो 15-20 मिनट या आधा घंटे बाद ले सकते हैं। जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी ये जो बायो एंजाइम का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसको पानी में डाले तो जो सब्जियों का विषैलापन बाहर आ जाता है और उसको शायद पानी में मिलाए तो पानी भी साफ रहता है, वैद्य राजेश कपूर जी का है, तो ये किस हद तक मतलब काम करता है, कैसे काम करता है जी बायो? इसका बहुत बड़ा विषय है, विषघ्न द्रव्य आयुर्वेद में क्या क्या बताए हैं, शोधन द्रव्य बताए हैं,
और इसको किसी भी वस्तु को शोधन करने की एक आयुर्वेद की विशिष्ट पद्धति सालों से रही है। ऐसा नहीं है कि अभी पेस्टिसाइड आया तो हम साफ करेंगे, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर एक चीज को साफ करने की एक विधि है, जैसे भल्ला तक को साफ किया जाता है, जैसे नक्सोमिका जो है वो ऐसे जहर है लेकिन उसको गौमूत्र में रख कर उससे साफ कर देते हैं तो उसका दोष चला गया, अब उसको वे उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी एक विधि के बारे में हम अवश्य इसका एक सेशन लेंगे या इसको बताएंगे कि कैसे उसको शोधन करना है हमारे, मतलब एक कि किस तरह से वो काम लेना है, किस तरह से उसका शोधन करना है और कोई भी चीज को मतलब किस तरह से उपयोग करना है, उसमें कैसे मिक्सिंग होता है वो भी बताएंगे और आयुर्वेद की दृष्टि से उसको किस तरह से हम शोधित करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो 5-10 मिनट में होने वाली बात नहीं है क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया, आयुर्वेद की शोधन की प्रक्रिया हमको पहले बतानी पड़ेगी। जी आगे कोई चरण जी, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। मुझे ये बताएं कि एपिलेप्सी या दिमागी जो झटके होते हैं वो किस दोष की वजह से होते हैं और उसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है आयुर्वेद में? एपिलेप्सी जो, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। एपिलेप्सी जो होता है वो ज्यादातर उसको आक्षेपक वात की वजह से होता है। वात का बहुत ही विकृत होना, बढ़ जाना, उसके कारणों दोहरा होता है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति उसमें आयुर्वेद में बताई गई है। रोगी को समझ में आ गया, आपको रोग समझ में आ गया, रोगी की स्थिति आ गई तो ये आसानी से मतलब ये रोगों को हम अवश्य ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में एक प्रधान कर्म बताया है नस्य का, तो ब्राह्मी घृत का या ब्राह्मी तैलम का, यष्टिमधु तैलम का, खास करके ब्राह्मी घृतम का या अष्टमंगल घृत का नस्य, दोनों नाक में उसके ड्रॉप्स डालने के। बच्चों को ये हो रहा है तो सुवर्ण प्राशन उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत सारे रोगों के मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इससे बंद भी हुए है सुवर्ण प्राशन से। अष्टमंगल घृत है वो भी बहुत अच्छा इस रोग में कार्य करता है। स्मृति मेधावर्धक जितने भी योग है वो सारे योग इस पर काम करते हैं। तो खास करके शिरो अभ्यंग इसमें, क्योंकि मानसिक अशांति जब होती है और गर्भावस्था में जब बहनों को हम ध्यान नहीं रखते हैं और उस टाइम कुछ विकृतियां होती है, पांचवें महीने में, खास करके पांचवें महीने में बालक का मस्तिष्क तैयार होता है गर्भ में, और वो समय पर यदि कुछ हुआ तो इसको इस प्रकार के रोग आगे जाकर हो सकते हैं। तो इसके लिए वो कारण देखकर उसके बाद आप शिरो अभ्यंग अर्थात माथे पर मसाज करना, शिरो धारा करना, रोज ध्यान कराना, उसको ऐसी ब्राह्मी शंखपुष्पी जैसी औषधियां देना, ये पूरा यदि विक्रम उसको देंगे तो अवश्य ही एपिलेप्सी मिट सकती है। हमारे पास कुछ मंत्र के भी प्रयोग है तो वो भी हम यहाँ सिखाते हैं। और हर पूर्णिमा को जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ में 4-5 डिसीज जो मुख्य मुख्य लेते हैं उसमें एक हो गया ल्यूकोडर्मा, जो किसी ने पिछली बार प्रश्न पूछा था, जो सफेद दाग जिसको कहते हम, तो व्हाइट स्पॉट हम जिसको कहते हैं, तो ये एक हो गया। एक दूसरा ये एपिलेप्सी का है, वो उसमें भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अपस्मार उसी के जैसा रोग है, आक्षेप के जैसा, मनोअवसाद जिसको कहते हैं। तो ऐसे 4-5-7 रोग ऐसे है जिसमें देव व्यपाश्रय चिकित्सा बहुत ही काम करती है। तो उसके लिए एक विशेष मंत्र का अनुष्ठान भी है, मंत्र भी है, और कोई औषधियों की उसको माला भी बांधने को बताते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर आने के बाद हम रोगी को कहते हैं। अभी घर पर आप इतना कर सकते हैं अवश्य ही कि उसका ध्यान रखे और एक नस्य, एक शिरो अभ्यंग और कोई मेध्य रसायन करके एक हमारी दवाई आती है, वो मेध्य रसायन और एक स्मृति वर्धक तेलम के 2-3 ड्रॉप्स गाय के दूध के साथ, इतना आप अभी से एपिलेप्सी के लिए सकते हैं। जी समय हो गया है राजेश्वर, तो
कल परसों ले कभी क्लास इसका आयुर्वेद का। ओके जी, ओके आचार्य जी, तो हम लोग कल मंडे मिल रहे हैं, मंडे संस्कृत के लिए, और सब ज्वाइन होने को कही सबको। जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, कल मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते।